मैं आपको पसंद करता हूं गुरुदलेन, आपको अपनाना चाहता हूं, और मुझे आपकी किसी बात से कोई एतराज नहीं है। क्या आपको मेरा प्रपोजल कबूल है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा तो जहन इस तरफ कभी गया ही नहीं। मतलब लोग क्या कहेंगे, आपका और मेरा एज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मैंने हमेशा आपको एक अच्छा कॉलीग कंसिडर किया है, सिर्फ एक कॉलीग। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जहां मोहब्बत होती है वहां उम्र का फर्क बेमानी हो जाता है। अगर ऐसा होता तो हर वो शादी कामयाब होती जिसमें बीवी शौहर से कम उम्र होती। ये छोटी छोटी बातें मोहब्बत की मजबूती पे असरअंदाज नहीं होती। मैंने बस अपने जज्बात का इजहार किया आपके साथ। आगे फैसला आपको ही करना है। मैं चलता हूं। मैम, स्टाफ रूम में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। ओके मैम। जहां आरा बहन, ये फयाज साहब हैं। माशाल्लाह से बाजार में इनकी बहुत सारी दुकानें, लाखों रुपए का तो इनका किराया आता है। एक दुकान इनके सोने चांदी के जेवरात की है, यूं समझे कि वो सब कुछ आपका हुआ। तो आपका बेटा आपके साथ ही काम करता है? जहांरा, ये अपने बेटे के लिए नहीं, अपने लिए रिश्ता लेने आए हैं। जमीला, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी के लिए उसके जोड़ का रिश्ता लेकर आओ, काबिलियत के लिहाज से भी और उम्र के लिहाज से भी। अरे उम्र की क्या बात करती हैं?